अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। मैं शहबाज अहमद ख़ान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन हैदराबाद से। हीरा ग्रुप की लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। क्योंकि कल नेरोल पुलिस स्टेशन नवी मुंबई में एक FIR हुआ, जिसका नंबर 04-66/2018 है, जो शबाना बहन ने वहाँ पर FIR किया है नेरोल पुलिस स्टेशन में नोहरा खिलाफ़ के ख़िलाफ़। इंशाल्लाह थाने के बाद फेको आपा नवी मुंबई EOW को भी जाएगी बेलापुर, और उसके बाद पुणे, उसके बाद औरंगाबाद में भी FIR हो चुका है, तो वहाँ पर भी जाएंगी। अब आज हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में कल नोहरा शेख के बेल पिटीशन, बेल जो MSJ कोर्ट नामपल्ली ने उनको दी थी, उसके ख़िलाफ़ हीरा विक्टिम एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की थी, जिसको CCS पुलिस हैदराबाद ने उस अर्ज़ी पर बहस की और गवर्नमेंट प्लीडर हाई कोर्ट ने विक्टिम्स की तरफ से वहां पर इम्प्लीट हुई, और केस का नतीजा ये आया कि नामपल्ली MSJ कोर्ट से इनको जो बेल दी गई थी वो बेल को कल कैंसिल कर दिया गया। आज हीरा ग्रुप के एडवोकेट विनीत डाडा के वालिद ने आज फरजाना बेगम, जो बंजारा हिल पुलिस स्टेशन का FIR था, उसको क्वैश के लिए आज हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन डाली थी, उसको हीरा विक्टिम एसोसिएशन के एडवोकेट तौसीफ बाशा ने इम्प्लीट होते हुए, क्योंकि हमको और विक्टिमों को इसकी नोटिस नहीं दी गई इसीलिए जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए, पर 11 दिसंबर को इनके क्वैश पिटीशन को भी पोस्ट कर दिया गया। और आप देखिए, इनके ऊपर जो है जितने केसेस हैं तेलंगाना में, FIR नंबर 117/2018, JJ मार्ग पुलिस स्टेशन मुंबई में FIR नंबर, उसके बाद नलसापुरा थाने में, उसके बाद इनके ऊपर केरला में, बेंगलोर में, वेस्ट बंगाल में और आंध्र प्रदेश में इनके ऊपर कई FIR, इनके ऊपर चीटिंग के मुकदमे दर्ज हैं। और आज की बॉम्बे मिरर की न्यूज़ के मुताबिक एक विक्टिम जो है, एक इन्वेस्टर जो है, कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि बीमारों का जो इन्वेस्टमेंट करे हैं वो लोगों के ख़ुदकुशी के मौक़िफ़ में आने की नौबत आ चुकी है, और कई इन्वेस्टर्स इलाज के लिए दवाखानों में पड़े हैं और उनके पैसे नहीं आ रहे हैं। और आज ये कहा जा रहा है, जो कैंसर के पेशेंट की जो बात बॉम्बे मिरर ने की, वो अगस्त के महीने में जब इनके अकाउंट्स खुले थे और ये पैसे दे सकते थे, उसके बावजूद भी जो है इनको पैसे नहीं मिले और उनकी मौत वाक़ हो गई। इसी तरह पूना में भी एक वाक़या पेश आया, और कई ऐसे वाक़े हैं जो आवाम की नज़र में नहीं आ रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो है इनके पैसे न मिलने की वजह से अक्टूबर से पहले ही फौत हो गए। और ये कहा जा रहा था कि GST का प्रॉब्लम है। हाँ साहब, ज़रा वो रुको, ज़रा GST का यह प्रॉब्लम है, और उसके बाद बैंक का अकाउंट का प्रॉब्लम है, RBI का प्रॉब्लम है, इस तरह की झूठे बातें कर मुसलमान मासूम इन्वेस्टरों को धोखा दिया गया, और यह आज भी बात साबित हो चुकी है ये एक चीटिंग है। लेकिन हीरा के दलालों का क्या कहना, ये दलाल आज भी अपने 10-20 हज़ार के लिए वीडियोस बना रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा और मुझे हैरत हुई कि जो है मेरे मौत की खबर शाई करते हुए दिल्ली का एक ब्रोकर जो है ये कह रहा है कि शहबाज खान का इंतकाल हो गया और शहबाज खान को ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, जो भी कह रहा है दलाल। अगर ऐसे दलाल जो, अब मैं उसका नाम इसीलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ कि अगर मैं नाम लूँगा तो वो भी मशहूर हो जाएगा। अपनी TRP बनाने के लिए लोग जो है शहबाज खान के मुंह से अपना नाम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ओ दलाल, मैं तेरा नाम लेने वाला नहीं हूँ। हाँ, तुझे कोई जानता ना पहचानता, तू गली नाली छोटी नाली के कीड़े। हाँ, तू जो है मामूली अपने 10-20-50 हज़ार के लिए फ़ोन करता है। हाँ, तू जब फ़ोन कर रहा था मुझे याद आ गया कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक मीटिंग में मैं था। यकीनन मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, मैं भारत की तरक्की के एडिटर और भारत की तरक्की न्यूज़ चैनल की हैसियत से यकीनन मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद करता हूँ, उनकी पॉलिसियों से मैं जो है मुत्तफिक हूँ और मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि आपके इंतकाल हो गया? सोच जरा, तेरे घर में इंशाल्लाह इंतकाल हो जाएगा,
इंशाल्लाह तेरे घर में बीमारियां आएंगी, ये मासूम 3 लाख इन्वेस्टर की हाय खाली जाने वाली नहीं है इंशाल्लाह। और कमेंट करने वाले, अरे वो कमेंट कर रहे, ये कर रहे, करे कितने पैसों के लिए, अगर तुमको दम है उतना ही तो चेक दे दो। अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि आपा आएगी पैसे दे देगी, तो बता दो वसाइल कहाँ हैं। तुम्हारे 160 अकाउंट में तुम्हारे पास सिर्फ 19 करोड़ रुपए निकले, तुम्हारी प्रॉपर्टी जितनी जब्त की गई है वो तकरीबन 150 करोड़ रुपए की है। तो क्या आप बताइए इन्वेस्टर भाइयों कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 200-250 करोड़ का ही है इनके पास, जो ये कह रहे हैं? नहीं, 25,000 करोड़ रुपए कहाँ पर गए? ये फिल्म एक्टर्स में खर्चा हो गए, ये 20,000 रियाल का बुरखा पहन ली, कर्नाटक के इलेक्शन में पैसा खर्चा कर दी फोटोशॉप करने के लिए, बीजू थॉमस, विनीत डांडिया, हाँ, और आपके बीजू मौली थॉमस, इन लोगों के ऊपर तुम्हारा पैसा खर्चा हो गया। आज इन सब की बातों की तहकीकात की ज़रूरत है। आप शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन को 1 लाख दरहम का दुबई में चेक दिया, आप किसके पैसों से दिए? अपनी शान और शौकत के लिए तुम इस मासूम इन्वेस्टर को जो है कुर्बान कर दिए। तुम अल्लाह रसूल का नाम लेकर बार बार हदीसों को सुनाए, उसको सुनाए। आप सोचिए, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग इनकी तायीद कर रहे हैं, ज़रा सोचिए, इनका पहला रजिस्ट्रेशन, ये बार बार कहते हैं कि 20 साल से कंपनी है, इनका पहला रजिस्ट्रेशन 2008 का है। ये हवाले के मुकदमे में 84 लाख के हवाले में यह मुलव्वस थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तस्दीक कर दी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनके पास नॉन बैंकिंग और बैंकिंग डिपॉजिट लेने का इनको कोई अख्तियार नहीं है। और यह सबको यह कहती आई कि इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड, इसका कहना यह था कि मुसलमान इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड बिला सूदी कारोबार में जो है पैसा डालें और बैंकों से और इन चीज़ों से बचें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना अरशद बशीर मदनी, तौसीफुर रहमान, मेराज रब्बानी, आखिल शहनाज, इन लोगों ने बिला सूदी कारोबार होने का दावा किया और ये बताया कि हीरा ग्रुप में पैसे लगाना हलाल है और ये बिला सूदी कारोबार है बग़ैर जाने पहचाने। आप ये देखिए कि 2007 में ही इन्होंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक से 4 करोड़ रुपए का लोन लिया था और ये उसमें मुकदमा इनका है। ऊपर से नीचे कर लेते हो ताकि पढ़े जाना लोगों को, एक सेकंड में नहीं पढ़ सकते। उसके बाद आप क्या करें, मैं जब 2008-09 में आपके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया तो आपने मुझ पर जो है पहले एक रेप का मुकदमा डाला, नऊज़ बिल्ला। क्या हुआ, आजकल के वीडियो में भी कहा गया कि शहबाज खान एक रेपिस्ट है। अगर मैं रेपिस्ट होता तो मुझे पुलिस गिरफ़्तार करनी चाहिए थी। अगर मैं ऐसा काम करता तो पुलिस मुझे गिरफ़्तार करती और मुझे जेल की कठेरे में डाल देती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने एक मासूम आदमी को ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल कर उसको कहा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पर हमारा कब्जा है, लिहाजा अगर तुम शहबाज खान के खिलाफ रेप का मुकदमा डालोगे तो हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को क्लियर करेंगे। मेरी इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैंने सिर्फ इनके खिलाफ ये आवाज़ उठाई थी कि इनका इन्वेस्टमेंट इनका हलाल नहीं है और इनका कोई कारोबार नहीं है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग हो रही है, और मैंने लोगों को इससे आगाह करना शुरू किया। तो मेरे ऊपर आपने एक आरिफुद्दीन नामी शख्स जो आज मेरे साथ आपके सामने बैठे हुए हैं, इनके ज़रिए मेरे ऊपर पहला रेप का मुकदमा डाला। बोलो शहबाज शेख, नहरा शेख और कलीमुल्ला सिद्दीकी, ये दोनों ने मिलकर के मुझे ब्लैकमेल किया, मुझे डराया धमकाया कि इस तरह से करो उस तरह से करो ताकि हम तुम्हारी जायदाद तुम्हारा पैसा वापस कर सकें। ज़ाहिर है मैं मजबूर और कमज़ोर आदमी, मजबूरन मुझे काम करना पड़ा। बोलो पेपर में डलाए, सो पेपर में डलाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए, न्यूज़पेपर में डलाए मेरे बारे में कि भाई शहबाज खान ऐसा किया, शहबाज खान वैसा किया, इससे बोलोगे तो तुम्हें ये तुम्हारा पोर्शन एक कॉम्प्लेक्स का फ्लोर वापस करेंगे और जो बाकी के पैसे हैं वो पैसे भी तुम्हें दे देंगे। मैं मजबूरन यस बोला। तो उसके बाद आपने क्या किया, 2010 में आपकी साइन शुदा कंप्लेंट में, जिसमें आपने एक आलिमा होने का जो दावा करती हैं आपने कहा कि शहबाज खान ने
جب عارف الدین بدل گئے تو ان کے نام پر بھی ایک ریپ کا مقدمہ آپ نے ان کے اوپر بھی ڈال دیا کہ آپ آ کے جو ہے پرائیویٹ پارٹس کو برش کرے. ذرا سوچئے میرے بھائی, ایک عالمہ ہونے کا دعویٰ کرنے والی عورت کتنی مکار اور ذلیل ہے کہ اس نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا اور اس نے یہ سمجھا کہ پولیس کی شاپنگ کرے گی اور وہ ہم جیل کو چلے جائیں گے. لیکن اللہ کی کرنی ایسی تھی, 100 مارنے 1000 مارنے والے 1,00,000 مارنے والے دنیا میں آ جاؤ, بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ نے مجھے عزت بخشی. جب پولیس نے تحقیقات کی تو اس وقت جو ہے نوہرا شیخ بلڈنگ میں ہی نہیں تھی اور ان کے مقدمے کو خارج کر دیا گیا. اس کے بعد آپ نے 2012 میں مجھ پر قتل کی سازش رچی اور ایک لڑکے کو آپ نے 2,00,000 دے کر مجھے مارنے کے لیے آپ نے اسے بھیجایا. اور وہ لڑکا جب آ کر میرے پاس آئے تو جب میرے باتیں سنا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک ایسا کرشمہ کیا کہ اس لڑکے نے قبول دیا کہ مجھے 2,00,000 روپے دیے گئے ہیں اور حیدرآباد کمشنر کے پاس اس نے اسٹیٹمنٹ دیا. اس کے بعد آپ نے جب اس پراپرٹی کو جب آکشن کیا گیا انڈین اوورسیز بینک کی جانب سے 10-4-3 ایف شاپ نمبر F1, F2, F3 کی پراپرٹی کو آکشن کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی اور میں نے اس پراپرٹی کو انڈین اوورسیز بینک کے آکشن سے چھڑایا. تو آپ بھوک لگ گئیں, آپ نے ایک مقدمہ ڈالا جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا, اور ایک مقدمہ انڈین اوورسیز بینک کا مقدمہ انہوں نے ڈال کر جو ہے ڈیبٹ اینڈ ریونیو اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں آپشن کے خلاف آپ نے مقدمہ لڑا اور یہ کہا کہ یہ پراپرٹی مجھے واپس دے دی جائے اور تو میں 6% انٹرسٹ بھروں گی. تو پھر آپ کا انٹرسٹ فری ورلڈ کہاں چلے گیا؟ مسلمانوں کو تو آپ یہ بولتے آئے اور یہ جھوٹے ملا جو اپنے آپ کو عالم کو تو کچھ کہنا غلط بات ہو جائے گی, اسی لیے یہ جھوٹے علماء, یہ بکے ہوئے علماء کا نام لے کر استعمال کرنے والے یہ لوگوں نے آپ کے خلاف بڑی تشہیر کی اور جس سے معصوم مسلمان انویسٹرس راغب ہو گئے اور آپ کے پاس پیسہ ڈال دیے. تو آپ, یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ خود انڈین اوورسیز بینک سے سودی کاروبار میں ملوث تھی. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, سانپاڑا پولیس اسٹیشن نوی ممبئی جس جہاں کے انسپکٹر جے ایس نائک ہے وہاں پر آپ نے ایک ایف آئی آر کروایا. جس کا میں نے, اس میں تھامس مولی اور نوہرا شیخ کمپلیننٹ تھے کہ شہباز خان نے 5 کروڑ مانگے ہیں, آپ نے ایک جھوٹی وائس ریکارڈنگ وہاں پر سبمٹ کی. جب پولیس تحقیقات کری, سائبر کرائم ٹیم نوی ممبئی تحقیقات پر پتا چلا کہ دبئی کے کوئی انٹرنیٹ کے نمبر سے فون آیا تھا اور اس کی آواز میں اور میری یا میرے کوئی لوگوں کی یہ آواز نہیں تھی, اس مقدمے کو سانپاڑا پولیس اسٹیشن میں خارج کر دیا گیا. اس کے بعد میں نے وہاں پر جواب داخل کیا کہ ان کی تحقیقات کی جانی چاہیے اور یہ جھوٹے کمپلینٹ پر پروسیکیوشن کیا جانا چاہیے. اس کا کام آج بھی وہاں پر جاری ہے اور آپ کے اوپر طرح طرح آپ نے ڈیبٹ اینڈ ریونیو میں میرے خلاف بھی ایک مقدمہ ڈالا اور اس میں بھی آپ کو ناکامی ثابت ہوئی. اس کے بعد آپ نے فیس بک اور سوشل میڈیا اور میرے اسی پیج پر جس پر آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں, اے آئی ایم آئی ایم شہباز احمد خان, یہ پیج کو آپ نے بند کرانے کے لیے سٹی سول کورٹ سے ایک آرڈر لیا کہ میں ڈیفرمیشن کی کوئی چیز محترمہ نوہرا شیخ کے خلاف نہیں ڈال سکتا. تو میں نے اس آرڈر پر یہ کہا کہ میں ڈیفرمیشن کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں اور میرے پاس کمپلیننٹس موجود ہیں اور میں اس بنیاد پر, شہادت پر میں یہ بات کر رہا ہوں. کل ہی ہائی کورٹ نے اس آرڈر کو بھی ہارملیس آرڈر قرار دیا. یہ دیکھیے, آپ نے بڑی تشہیر کی آپ کے ہیرا چینل ایچ چینل سے کہ شہباز خان پر پھٹکار, شہباز خان پر ہائی کورٹ کی نوٹس, شہباز خان کو جو ہے ہائی کورٹ نے لگایا زبان پر تالا, تم میری آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالی, میری آواز کو تم بند نہیں کر سکتے. ارے وہ دلی کے دلال تو بھی سن, میری آواز پر پابندی لگانے کا حق کسی کو نہیں ہے. میرا اللہ جس دن مجھے موت دے گا اسی دن میں مرنے والا ہوں, نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے نہ اس سے ایک سیکنڈ بعد میری موت واقع ہوگی, اور میں ڈرنے یا گھبرانے والا نہیں ہوں.
किसी के हरियाणा के एक बदमाश से आप गन रखकर वीडियो बना रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, मेरी फैमिली के नंबर्स निकाल कर उन लोगों को वीडियो भिजाए जा रहे हैं। मैं डरने घबराने वाला नहीं हूँ, ना मैं बिकने वाला हूँ। इंशाल्लाह आखिरी सांस तक मैं इसी तरह मुकाबला करता रहूँगा। तुम ऐसे कई वीडियोज डालो, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं 4-5 दिन से इसीलिए बिजी था, कुछ लोगों ने हीरा की ताईद में बयानात जारी किए कि शहबाज खान लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, शहबाज खान कल जाके चंदा करेगा। नऊज़ बिल्ला, मैंने मेरे पास जितने कंप्लेनेंट्स आए हैं आप उनसे पूछ लें या वो देख रहे हैं तो सोच लें कि मैंने जीरोक्स भी मेरे पैसों से करवाया, मैंने टाइपिंग भी मेरे पैसों से करवाई, और वकील को मैंने भी, चाहे वो MSJ कोर्ट में हो चाहे वो हाई कोर्ट में हो, किसी से एक रुपया फीस नहीं लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वकील तौसीफ बादशाह और मसूद खान एडवोकेट ने भी फ्री मुकदमा लड़ा। उन लोगों ने भी कहा कि शहबाज भाई आप जो काम कर रहे हैं इस काम के लिए हम लोग फ्री सर्विस देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद में 20 नामवर एडवोकेट हमारी तरफ से केसेस में इम्प्लीट हो रहे हैं और इन्वेस्टर्स की तरफ से फ्री सर्विस दे रहे हैं। तो आप का ये कहना कि शहबाज खान, इसीलिए मैं, क्योंकि हैदराबाद में तेलंगाना में इलेक्शंस आए हैं और हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तायीद कर रहे हैं और उनकी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा बिजी हो गया और 2-4 दिन मैंने वीडियोस क्या नहीं डाले। इन्होंने मेरे इंतकाल की खबर शाये कर दी। हो सकता कि तुम इंतकाल की खबर डाले, लोग देख कर मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और मेरी ज़िंदगी से मुझे जो है और मेरी ज़िंदगी को बढ़ा दे। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोगों का काम करता रहूँगा। और ये कहना कि वीडियोस डाल रहे हैं दल्लाल इनके जो है कभी हीरा के ख़िलाफ़ जाते हैं और थोड़े दिन में अपनी TRP बढ़ा लेते हैं और उसके बाद जो है हीरा के दल्लालों से पैसे लेकर जो है फिर हीरा की तायीद में आकर आपस में हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं। चाहे कोई कुछ कर ले, कोई मैनेज हो, कोई डरे, कोई बिके, कई लोग आए इन्वेस्टर्स की ताईद में बात करने के लिए, थोड़े दिन काम करे और उसके बाद या डर गए या बिक गए। लेकिन हीरा ग्रुप के दल्लालों, हीरा ग्रुप के चाहने वालों, यह बात को सुन लो, ना मैं डरने वाला हूँ ना मैं घबराने वाला हूँ। मैं इसी तरह मुकाबला करता रहूँगा और इसी तरह अपने वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और लोगों को वीडियोस अपलोड कर बताता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। आज हाईकोर्ट हैदराबाद ने भी आपकी बेल को कैंसिल कर दिया। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन साइबराबाद लिमिट्स में भी आपके लिए जो है ट्रांजिट वारंट के लिए बम्बई में दरख्वास्त दे दी जा चुकी है। केरला में, बेंगलोर में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में, जोधपुर में, इंशाअल्लाह वहाँ पर भी जो है मुकदमे दर्ज हो गए हैं, वहाँ पर भी आपा को लाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी कि मेरी बहन ने एक एडवोकेट को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आप एडवोकेट से फ्री लोगे तो फिर आप बयान क्यों कर रहे थे कि दिसंबर तक पैसे आ जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। आपने जब गारंटी ली है तो आपको देना पड़ेगा। आज लोग मर रहे हैं, आपको बयान देना चाहिए। आज लोग अपनी बच्चियों के शादियों के लिए, अपने बच्चों की फीस के लिए, दवाओं के लिए तड़प रहे हैं, आपको बयान देना चाहिए। वो जिद्दा का आखिल चोर जो है बयानबाजी करता था, कहाँ भाग गया भाई तू, आजा। अरशद बशीर मद्दी कहाँ पर हो, आओ आकर बयान दो। मेराज रब्बानी, तौसीफुर रहमान कहाँ पर हो, आओ बयान दो। खाली लोगों को, मुसलमानों को अपने घरें बेचकर, अपने जेवर बेचकर, अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर जो है आपने इसमें पैसे को इन्वेस्ट करा दिया और आज भाग लेते फिर रहे हैं। तो मैं इन्वेस्टर भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें विनीत डांडिया की भी बात कीजिए कि इन्होंने गारंटी ली है। आप जो है दिल्ली के दलाल का, दिल्ली के इन्वेस्टर से कह रहा हूं, दिल्ली के दलाल का नाम लीजिए जो वीडियो बना के डाल रहा है, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उसका एड्रेस दूंगा इंशाल्लाह, उनका भी नाम डालिए। और वो कह रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जो है करने के लिए आपा के साथ मैं जेल को जाऊँगा। हाँ, एक 10-20-50 हज़ार के लिए तुम दलाली कर रहे हो, ये इन्वेस्टर्स के खिलाफ जा रहे हो और कह रहे हो कि आपा की जीत हो गई, आपा हैदराबाद से क्लीन चिट मिल गई, आपा को बम्बई EOW से क्लीन चिट मिल गई। कहाँ की क्लीन चिट मिली? तुम 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने के बाद तुम्हें MSJ कोर्ट ने बेल दी और आज वही हाईकोर्ट से रद्द हो गई। बम्बई में तुमने कहा कि 2 करोड़ रुपये देंगे, अब थाने में कहाँ से दोगे? आप पैसे जमा करते जाओ इंशाल्लाह, कम अज़ कम इन्वेस्टर्स को तमानत हो जाएगी। जो भाई इन्वेस्टर्स कंप्लेंट नहीं करें उनका ये कहना कि जो है आप अगर बाहर आ जाएगी तो पैसा दे देगी, कहाँ से देगी? आपका तकरीबन पैसा तो फिल्म एक्टर्स में चले गया, आपका तकरीबन पैसा तो जो है बेंगलोर के इलेक्शन में चले गया, आपका तकरीबन पैसा इसके प्रोग्राम अरेंज करने में चले गया, 5-स्टार होटल, 73 क्रेडिट कार्ड,
इंटरेस्ट फ्री लोन बोलने वाली के पास 73 क्रेडिट कार्ड थे। आप बताइए क्रेडिट कार्ड जो है इंटरेस्ट फ्री होते हैं, और लोगों को आज डरा रहे हैं कि तुम कंप्लेन करोगे तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, आपा आएगी देगी। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, हीरा विक्टिम एसोसिएशन इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली, चाहे तुम कितना भी डरा लो कितना भी धमका लो, ये इन्वेस्टर्स के लिए हम हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। अरे जो लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं शहबाज भाई इसको बाहर आने दो, अरे क्या बाहर आने दें भाई, अक्टूबर से पहले ये बाहर थी, इसके अकाउंट क्लियर थे, ये पैसा नहीं दी। उसके बाद ये जब दिल्ली से निजामुद्दीन से भागने की तैयारी कर रही थी, तेलंगाना पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, 500 करोड़ की जायदाद बंजारा हिल पुलिस में कंप्लेंट होने के बाद बेची गई, वो अकाउंट में नहीं है, कहां पर है? तो इसके प्रोमोटर्स के पास है, इसके दलालों के पास है, ये बेनामी प्रॉपर्टीज है। ये पैसा क्या इन्वेस्टर्स निकाल सकेंगे जाके इसकी प्रॉपर्टीज का, इसकी औलाद, इसके भाइयों का नहीं, इसके प्रोमोटर्स के पास जो पैसा है उसको कौन निकालेगा? आप निकालेंगे? मैं निकालूंगा? नहीं, ये पैसा सीबीआई निकाल सकती है, ये पैसा एनआईए निकाल सकती है, ये पैसा हिंदुस्तान की पुलिस निकाल सकती है। इसीलिए तहकीकात में पुलिस की मदद कीजिए ताकि ये स्कैम को पूरा एक्सपोज होने दीजिए, वरना ये कहेंगे कि 500 कंप्लेंट है, 1000 कंप्लेंट है और कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यही एक वाकया है, हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, इंजास, INA, मॉर्गेनाल, ऐसे बहुत से कंपनीज है, ये कंपनीज, इसीलिए इस चीज़ को इतना एक्सपोज करें कि आने वाले वक्तों में हिंदुस्तानी मुसलमान इस सूदी कारोबार में मुलव्वस ना हो, आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान के मुसलमान ये बात को जान जाएं कि इस तरह का लालच देकर मुसलमानों को तरगीब करने वाले आपको धोखा देते हैं, अल्लाह रसूल की बात करते हैं, हदीस सुनाते हैं, कुरान की आयतें सुनाते हैं, सुनाकर आप लोगों को जो है तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से मुसलमानों को जो है फसादों के जरिए मुसलमानों की मईशत को तबाह करने की कोशिश की गई। जब तरक्की ज़्यादा हो गई, मीडिया ज़्यादा हो गया, रोडों पर कैमरे लग गए, तो हिंदू ताकतों ने सोचा कि अगर हम अब फसाद करेंगे तो हमें जेल का मुंह देखना पड़ेगा। इन्होंने इस तरह के जलील लोगों को जो इस्लाम और दीन से दूर थे लेकिन इस्लाम का नाम ज़रूर लेते थे, उन लोगों को उन्होंने टारगेट किया और पांजी स्कीमों का सहारा लिया, लेकर मुसलमानों की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। आप सोचिए, खाली एक मामूली हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से 3 लाख इन्वेस्टर्स, इन लोगों के घरों की मईशत तबाह हो गई। उसके बाद बैंगलोर के इंजास, IMA, एमबीडियन, मॉर्गेनाल, ऐसे कई लोग जो है मुसलमानों को जो है अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर पैसों में मुलव्वस करे, और वो लोग तबाह व बर्बाद हो गए। ये बात तो साबित हो गई कि एमबीडियन के उस फरीद, उन लोगों ने गाली जनार्दन रेड्डी को 57 kg गोल्ड दिया और 1 करोड़ रुपये जो है कोई इन्फोर्समेंट के ऑफिसर को जो रिश्वत दी। इसी तरह नोहरा शेख ने भी कई जगह पर शॉपिंग की है, इस बात की तहकीकात की ज़रूरत है। कई जगह रिश्वत सतानी की गई, कई पॉलिटिशियंस को पैसा दिया गया, कई फिल्म एक्टर्स को पैसा दिया गया, ये पैसा वापस आना चाहिए। और ये इस बात की तैयारी कर रही थी कि नफ़ा और नुकसान के ज़िम्मेदार हैं, इसीलिए जो है नुकसान में आप मुलव्वस है, और बैंकरप्सी का ऐलान करने वाली थी। उससे पहले ही अल्लाह ताला ने लोगों को सेलेक्ट किया और इसके मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया, ताकि हमारा स्टैंड आज भी यही है, आपकी कंपनी थी ही नहीं, आपकी टेक्सटाइल फैक्ट्री नहीं थी, आपने जो है घाना से सोना नहीं लाया, ये एक धोखा है, नफ़ा नुकसान का इसमें कोई बिजनेस नहीं है, धोखा धोखा होता है, ये चीटिंग है, और ये चीटिंग के ऊपर जो है आपके पैसे आपको मिलने चाहिए। जितनी प्रॉपर्टीज़ दुबई में, जितनी प्रॉपर्टीज़ बर्रे सगीर में यूरोप को भिजाया गया है पैसा, वो पैसे को वापस लाने के लिए आप हमारी मदद करिए, आप पुलिस की मदद करिए। आप लोग सब उठिए, उठकर बाहर आइए, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि इस तरह के पैसा आप सब सामने आने के बाद ये इन्वेस्टर्स में बांटा जाएगा। वरना अगर इतने ही कंप्लेनेंट्स रहेंगे तो होगा क्या कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जितने हैं उतना ही पैसा इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाएगा, कंप्लेनेंट्स में बांट दिया जाएगा, और वो लोग महरूम रह जाएंगे। फिर ना कहना हमें खबर ना हुई। मैं 2008 से इनके वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे पर मुकदमे डाले गए, मेरी इनकी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मैं इनके ऊपर वीडियोज़ डालने की वजह से मुझे टारगेट किया गया और मुझे केसों में मुलव्वस किया गया। और लोग ये कह रहे थे शहबाज भाई आप 2012 में क्या कर रहे थे। 2012 में हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी इस बात का खुलासा किया था और CCS में कंप्लेंट दिया था, यह हैदराबाद में चल रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन्वेस्टर्स ये कह रहे थे कि जो है हमें पैसा वक्त पर आ रहा है, हम आगे नहीं आएंगे, इसमें हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है, हम बार बार आपको आगाह करते रहे,
لیکن آپ لوگوں نے ہماری بات کو نہیں مانا اور یہ کہا کہ ان کی یہ ذاتی دشمنی ہوگی اور اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. کرناٹک میں الیکشن لڑ کر تلنگانہ کے الیکشن کا اعلان کر کر آج سے نامینیشن شروع ہوئے ہیں. جیل میں سے یا کسی کو سلیکٹ کر کے آپ کینڈیڈیٹس کو ڈالیے. آپ ایم آئی ایم کے خلاف لڑنے کی بات کی جا رہی تھی, کل کے ویڈیو میں بھی میں نے دیکھا کہ ایم آئی ایم کو شکست ہوگی. حیدرآباد میں اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین کا کام دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح کا کام کرتی ہے جماعت یہاں پر. اور مسلمانوں کے کاسٹ کے لیے آزادی کے بعد سے آج تک ہندوستان میں کسی نے پارلیمنٹ میں اس طرح کی بات نہیں کی. اخلاق کا جب قتل ہوتا ہے, ہاں, جہاں پر گاؤ کشی کے نام پر جو مرڈر ہوتا ہے, اس کے لیے حیدرآباد کے ایم پی نے ہی پارلیمنٹ میں آپ کے لیے آواز اٹھائی. لیکن اس حصے کو میں پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, وہ لوگ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ کا ایک کارپوریٹر ہے کیا ہندوستان میں؟ آپ کی کوئی کمیٹی ہے کیا کہیں بھی پولیٹیکل؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پولیٹیکل ایشو بنانے کی کوشش کر رہی تھی آپ, لیکن آپ ناکام ہو گئی. اور میں باہر ہوں ابھی بھی, ارے دلی کے دلال تو سن, میں باہر ہوں. میرے 9949211786 میرا فون نمبر ہے, ہاں, 9949211786 میرا فون نمبر ہے. میں میرے آفس میں بیٹھتا ہوں, ماساب ٹینک میں ہوں. میرا آفس, میرا گھر ماساب ٹینک پہ ہے. میں حیدرآباد میں رہتا ہوں. تیری طرح چھپ کر گم ہو کر میں بات نہیں کرتا, میں اوپن آ کر بات کرتا ہوں. اور میری زبان کا انشاءاللہ تو مقابلہ نہیں کر سکو گے. تو میرے بھائی, آپ لوگ باہر آئیے اور آ کر جو ہے ان کے خلاف آواز اٹھائیے. انشاءاللہ آپ لوگوں کی, انشاءاللہ انویسٹرز کی جیت ہوگی, اور ان مکاروں کی, ان اسلام کے دشمنوں کی انشاءاللہ ہار ہوگی. شکریہ, خدا حافظ.